घर पर रखे मंगलसूत्र को महिला की नजरों से बचाते हुए चुरा कर बेचने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि महिला के ही घर के पास ही रहता था और घर पर महिला के अकेले होने का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दे गया। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता इमला नितिन डहरवाल अपने बेलतरोड़ी स्थित घर पर अकेली थी। महिला का पति पेंटिंग का ठेकेदार है और आरोपी जितेंद्र तमिलवार, जो कि एक लेबर का काम करता है और बालाघाट निवासी है, वो महिला के घर के बाजू में ही किराए से रहता है। जब महिला घर पर अकेली थी और घर के दूसरे कमरे में थे, इसका फायदा उठाकर आरोपी जितेंद्र तमिलवार किसी बहाने महिला के घर पर पहुंचा, क्योंकि महिला दूसरे कमरे में थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने प्लास्टिक के डिब्बे में रखे 7 ग्राम के मंगलसूत्र को नजरों से बचते हुए चुरा लिया। घटना के बाद जब महिला ने अपना मंगलसूत्र खोजा तो महिला को वो कहीं नहीं मिला, जिस पर महिला का संदेह आरोपी जितेंद्र तमिलवार पर ही पहुंचा, जिसकी शिकायत महिला ने बेलतरोड़ी थाने में दर्ज करवाई। आरोपी जितेंद्र ने मंगलसूत्र को बेचकर पैसे उड़ा लिए, जिसके चलते कई चश्मदीदों ने इसकी गवाही पुलिस को दी। सबूतों के बिना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो आखिरकार सच आरोपी ने कबूल ही लिया। पोलीस स्टेशन बेलतरोडी येथे 212/23 गुन्हा नोंदला। याच्यामध्ये फिर्यादी ज्या आहेत, इमला डहरवार वय 27 वर्ष, ह्या बेसा घुगली शाहूच्या घरी भाड्याने राहतात। त्यांचे पती पेंटरचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतात आणि त्यांच्याच शेजारी परत इतर लेबरसुद्धा भाड्याने राहतात। तर त्याच्यामध्ये त्यांच्या घरात एक त्यांनी डब्यात मंगळसूत्र ठेवलं होतं, ते दिसून आलं नाही। त्यांना माहीत होते की हाच व्यक्ती घरात गेलेला आहे, त्याच्यावर संशय घेतला। त्यांनी विचारपूस केल्यानंतर त्यांनी मान्य केलं नाही, परंतु अधिक तपास आणि साक्षीदार जे काही बघे होते त्यांना बघणारे त्या ठिकाणी जाऊन तपास अधिक तपास केला असता त्याच्या त्यांनी जे सोनाराकडे मंगळसूत्र गहाण ठेवून पैसे घेतले होते तर ते आपण रिकवर केलेलं आहे आणि सदरचा गुन्हा जो आहे तो उघडकीस आणला। त्याच्यामध्ये 20,000 रुपयाचा तिचं जे मंगळसूत्राची किंमत आहे तेवढा मुद्देमाल आपण रिकवर केलेला आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी की रिपोर्ट।